आज की हमारी रेसिपी है कैरमल टोस्ट पुडिंग, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है टोस्ट। हाँ, टोस्ट, इलायची वाले टोस्ट जिसे हम चाय के साथ खाते हैं। इसमें एक अच्छा सा कैरमल का लेयर है। तो आइए देखते हैं और बनाते हैं कैरमल टोस्ट पुडिंग। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसके लिए हम लेंगे ब्रेड टोस्ट 8। टोस्ट को हमें एक पाउडर में ग्राइंड करना है। फिर हमें लेने हैं अंडे 4, 2 कप दूध, ये गरम किया हुआ है ऑलरेडी, शक्कर 3/4 कप और 3 बड़े चम्मच कैरमल के लिए। सबसे पहले कैरमल बनाते हैं। तो एक लेंगे केक का मोल्ड राउंड, जिसे हमने नीचे बटर या घी के साथ इसे ग्रीस किया है। अब इसमें डालेंगे शक्कर 3 बड़े चम्मच। घी लगाने से ये जो शक्कर है उसमें चिपकेगी नहीं। अब शक्कर को थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि ये कैरमल अच्छी तरह से फैल जाए। और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी। अब इसे गैस पे चढ़ाएंगे और लो फ्लेम पे रख के इसे जब ये पिघल जाए तो हल्के हल्के से इसे घुमाना है। ये जैसे ही उबलने लगता है तो इसमें से पानी कम होता जाता है। ये देखिए कैरमल बिल्कुल तैयार है। ये जब लाइट कलर है तभी इसे निकालना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर है कैरमल का। इसे अच्छी तरह से घुमाएंगे और इसे अभी ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक मिक्सिंग बाउल में अब हम 4 अंडों को तोड़ लेंगे। इसमें डालेंगे दूध 2 कप, ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना है, रूम टेम्परेचर पे, और इसमें ऐड करेंगे शक्कर। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से विस्क करना है। आप इसे मिक्सर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अब जो मोल्ड है इसमें कैरमल ठंडा हो गया है, तो इसके साइड में भी हम थोड़ा ग्रीस करेंगे जिससे ये साइड से आसानी से निकल जाए। अब हम इसे लेयर करेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें जो हमारा अंडा और दूध का मिक्सचर है उससे, और फिर जो टोस्ट किए हुए क्रम्स है उसे। इसमें अगर बारीक पीसेस हैं टोस्ट के तो उसे रहने दें, ये उसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे। थोड़े क्रम्स, फिर थोड़ा सा ये दूध और अंडे का मिक्सचर, और इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। क्योंकि टोस्ट थोड़ा सा हैवी होता है ये ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगा। ये बस सब डाल दिया है इसमें और हमारा दूध और अंडे का मिक्सचर भी इसमें जा चुका है। अब एक स्टीमर को गर्म करेंगे। जब ये स्टीम होने लगे तो इसमें इसको हमें रखना है और इसमें ऊपर से एक ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाना ना भूलें, नहीं तो इसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। इसे आप एक ढक्कन या एल्यूमिनियम फॉइल से सील कर सकते हैं। इसे 20 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है और 10 मिनट फिर स्टीमर में ही रखना है। बस ठंडा होने पे डीमोल्ड करेंगे। है ना परफेक्ट कैरमल पुडिंग। तो आज ज़रूर बना के देखिए ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।